मध्य प्रदेश के श्योपुर में धड़ल्ले से झोलाछाप डॉक्टरों का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। गांव में डॉक्टर मेडिकल की आड़ में अवैध क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। इनकी शिकायत होने के बाद अब प्रशासन ने अवैध क्लिनिकों पर नकेल कसने शुरू कर दिए। अवैध एक्सरे मशीन लैब और क्लिनिकों को लगातार सील किया जा रहा है और इसके साथ ही ताबड़तोड़ कार्यवाही भी जारी है। पूरा मामला श्योपुर और आसपास के क्षेत्र का है। इस मामले में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजपूत ने झोलाछाप डॉक्टरों के लिए एक फरमान जारी कर दिया है। रफ्तार मीडिया ने इस पर सक्रियता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद से ताबड़तोड़ कार्यवाही से जिले के झोलाछाप डॉक्टर्स में अब हड़कंप मच गया है। एक पैथोलॉजी शुरू करिए, विज्ञापन करिए और एक बड़ौदा में क्लिनिक करिए, बड़ी बहुत अच्छी बड़ी क्लिनिक थी, तो मरीज भर्ती थे वहाँ पर, और एक कल करिए सोई में, लेकिन तो हम अभी तक बंद कर चुके हैं। और नोटिस करीब 8-10 लोगों को नोटिस दे चुके और आगे भी काम तो अब करते रहेंगे इस तरह के, क्योंकि ये बहुत जहरीला काम हो गया अब जो कि बोतल लगा रहे हैं मरीजों को, ना कोई व्यवस्था है बोतल लगाने से पहले उनके पास, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कुछ है, तो मतलब वो तो सीधे सीधे जान के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं बिल्कुल। तो क्या सर इस तरह से आगे भी कार्रवाइयाँ बिल्कुल कार्रवाई तो लगातार रहेंगी, अभी बंद नहीं कर रही है।